Let's start with the fifth question. So it says, which characteristic of the sound helps you to identify your friend by his voice while sitting with others in a dark room? तो dark room में वो कह रहे हैं कि अगर मान लो आपको आपका friend को identify करना है using his voice, तो आप कैसे कर सकते हो, उसकी voice से उसको कैसे familiar कर सकते हो? It is with the help of pitch of a sound. क्योंकि ना pitch क्या होती है, कई लोगों की low pitch होती है, कई लोगों की high pitch होती है. अब पिच कैसे वेरी करती है वो आपको बताना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो दो आपके पास वेव्स हैं, ठीक है, दो पर्सन्स हैं, एंड लेट्स से ए इज स्पीकिंग विद सम पिच, बी इज स्पीकिंग विद सम पिच. तो मान लो कि ए की पिच यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, ठीक है. अब बी वाले की मान लो पिच ऐसी है कुछ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सेकंड वाले केस में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, पहले वाले में फ्रीक्वेंसी कम है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ वेव्स पे. और मान लो दोनों के दोनों एक मिनट के ही ग्राफ बनाए गए हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या होगा, ए इज एक्चुअली अ लोअर पिच वन एंड बी इज द हायर पिच वन. तो हायर पिच किसकी है, बी वाले की, और ए वाले की क्या है, लोअर पिच, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वेव्स मूविंग इन अ सेकेंड और इन अ मिनट, ठीक है. तो पिच ऑफ साउंड से आप क्या कर सकते हो, लोगों को पहचान सकते हो, क्योंकि सबकी ही पिच एक्चुअली में क्या करती है, वेरी करती है. एम्पलीट्यूड तो यार देखो, कभी भी हम इंक्रीज कर सकते हैं और कभी भी हम डिक्रीज कर सकते हैं. एम्पलीट्यूड क्या होता है हमारा, कि हाइट कितनी है हमारे वेव की. मान लो अगर दूसरा वाला है आपका, तो उसकी हाइट मान लो ये है, ठीक है. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पिच ऑफ द साउंड, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो कोई भी कभी भी चेंज कर सकते हैं.